कॉलीवुड स्टूडियो की विशेष प्रस्तुति ज्ञान सरिता। दूसरी बात ये कि क्रिटिसिज्म हो, कमेंट्स हो, लेग पुलिंग हो, कुछ भी हो, मैंने अच्छाई की तरफ बढ़ते जाना। जिन लोगों की एप्लीकेशन आती थी लीव वगैरह के बारे में, तो वो हम ले जाते थे। कई दफा हमें टीचर कहते थे कि आप हेडमास्टर साहब के पास ले जाओ। तो दूसरी कक्षाओं के भी आए हुए होते थे, जैसे हमारी जमाने में पद्धति थी। तो एक स्टूडेंट वहां आया हुआ था हेडमास्टर साहब के पास, जैसे मैं आया हुआ था, और वो जब तक हेडमास्टर साहब उसके बारे में कुछ बात करे या उसे सुने, वो टेबल पर ऐसे झुककर हाथ रखकर खड़ा हुआ था। तो आज तक मुझे वो बात भूली नहीं। टीचर ने उसको, हेडमास्टर साहब ने उसको कहा कि तू इतना छोटा बच्चा है, सीधा होके तो खड़ा होना चाहिए, तुम्हें क्या दिक्कत है इस तरह से खड़े होते हो। तो कम से कम उसको कहा तो मैं समझता हूँ उसको भी लाभ जरूर हुआ होगा। लेकिन बड़े प्रेम से, स्नेह से पहले उन्होंने कुर्सी पर बिठाया, और बिठाने के बाद कहा कि बोलो क्या बात है। तो पूछा उनसे, उनकी तरफ अटेंशन दी, प्यार किया उनको, और साथ में ये कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ है, तुम यहाँ ऐसे खड़े थे। तो उसने कहा नहीं, तकलीफ तो नहीं है। तो वो उससे समझ गया कि मेरा ये खड़ा होना गलत था। हमने भी समझ लिया कि इस तरह से खड़ा होना गलत होता है। जब इस उम्र में ही अगर ऐसी आदत हमारी पड़ जाएगी तो आगे जाकर क्या होगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर टीचर अपने स्टूडेंट्स की तरफ ध्यान देता है। ऐसे ही मुझे याद है जब मैं टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में था, तो हम, आपको मालूम है, अपनी मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन के मुताबिक कि बच्चे को मारना पीटना नहीं चाहिए। तो हमारे जो ट्रेनिंग देने वाले स्टाफ में से एक टीचर थे एक प्रैक्टिसिंग स्कूल में, तो वो कहने लगे, मेरे पास एक बच्चे को ले आए और कहने लगे कि आप तो कहते हैं कि बच्चे को पीटना नहीं चाहिए, ये तो सब थ्योरेटिकली बातें हैं, प्रैक्टिकल कोई समस्या का हल करके आप लोग दिखाएं तो हम भी उससे कुछ समझें। ये बच्चा है, इसको आप समझाइए तो हमारे लिए कुछ प्रैक्टिकल लेसन हो। ये चोरी भी करता है, दूसरे लड़कों से लड़ता भी है, लेट भी आता है, घर का काम करके नहीं आता है, रिजल्ट इसका हमेशा खराब रहता है, ये तो मेरे लिए हेडेक है, इत्यादि इत्यादि। एक लंबी बात है, वो उस केस को मैंने पर्सनली हैंडल किया, और जिस तरह से प्रेम स्नेह से उसको हैंडल किया गया, कई कम्प्लेक्सेस उस बच्चे में हो चुकी थी। और बात बीच में एक छोटी सी यही थी कि वो बच्चा शुरू शुरू में उसकी जो बुनियाद पड़ी, वो बच्चों में जैसे चंचलता होती है, जब वो घर वापस जाता था स्टूडेंट्स के साथ हंसता खेलता, कई दफा उलझ भी जाते थे बच्चे आपस में, तो उसकी इंक पार्ट वगैरह टूट गई, या मान लो किसी ने उसकी किताब को फेंक दिया तो उसकी जिल्द उतर गई, या उसकी पेंसिल या कोई पेन लेके टूट गया या गुम हो गया, ऐसे दो चार छोटी वारदातें हुई, और उसके पेरेंट ने कहा कि तू शरारती लड़का है, मैं तुझे रोज रोज तुम्हारे ऊपर खर्च नहीं करूंगा। और वो नतीजा ये था कि क्लास में कुछ ले नहीं जाता था, ना इंक पार्ट ले जाता था, ना वो ले जाता था। घर में उसकी उस तरह से पिटाई होती थी, स्कूल में मास्टर कहता था तू निकम्मा लड़का है, तू चीजें पूरी नहीं लाता तो पढ़ेगा क्या। और वो फिर दूसरों की चोरी करता था कि कहां से पूरी करे, इंक पार्ट वगैरह औरों की चोरी कर लेता था, चोरी करके फिर वो छिपाने की कोशिश करता था ताकि पकड़ा ना जाऊं। तो सारी बुद्धि तो उनकी इन्हीं कामों में लगी रहती थी, तो उसका रिजल्ट तो खराब निकलेगा ही। तो ये उसका जो एनालिसिस था सारा, सारी जो उसकी जेनेसिस ऑफ द ट्रबल थी, जो सारा एक कारण उसका, वो यही था। लेकिन किसी ने यह कोशिश नहीं की कि बच्चे और उसके पेरेंट्स और टीचर को बुला के कह दिया जाए कि भाई अब इस पिछली बात को छोड़कर, अब बच्चा है, अगर एक दफा ऐसे गलती हो गई, अब इसको तुम सामान तो लेके दिया करो। और उनको कहा जाए कि अच्छा कोई छोटी मोटी भूल हो जाए तो थोड़ा इसको प्यार से आप अपना हैंडल करने की कोशिश करो। उसके बाद वो बच्चा बड़ा ब्रिलियंट निकला, दिमाग तो उसका ठीक था, लेकिन वो चोरी करने में और चोरी की हुई को छिपाने में लगा रहता था। जब वहां से उसकी अटेंशन रिलीज हो गई, पढ़ाई की तरफ वो चली गई, तो फिर उसका फल बहुत अच्छा हुआ। तो कहने का भाव ये है कि अगर हम ये ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड प्रोजेक्ट में जो टीचर्स हैं, पहली बात अगर वो ये ख्याल रखें कि हम एज ए सिटीजन, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए चाइल्ड ऑफ गॉड, एज ए पर्सन ऑन दिस प्लेनेट अर्थ, अगर हम ठीक रहे तो हमारा प्रभाव, पहले तो हमारी अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होगी, फिर दूसरों पर प्रभाव जो उसका पड़ेगा वो अच्छा पड़ेगा, और उसमें फिर जो उनकी विशेष ऑफिशियल ड्यूटी है जिसमें नंबर ऑफ आवर्स वो स्पेंड करते हैं, जिसके लिए उनको सैलरी मिलती है, वो ये समझ करके, ये तो जीवन के गुजारे का एक साधन है, लेकिन इसके साथ साथ जो एक ह्यूमैनिटेरियन वर्क है संसार को अच्छा बनाने के लिए, ये जो नई पीढ़ी हमारे सामने आ रही है,
इसमें नैतिक मूल्यों का, इनके चारित्रिक नियम को सुदृढ़ करने का अगर हम यहाँ अभी से अटेंशन देंगे तो उसका फल हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, विश्व के लिए कितना सुंदर होगा, कितना अच्छा होगा। आज जो लोग लड़ते हैं और कितना हर प्रकार व्यापार, राजनीति, समाज, सामाजिक जीवन, यहाँ तक के धार्मिक, धार्मिक जो दो ही चीजें मैं समझता हूँ जो मुख्य कारण है, एक तो धार्मिक लोग जो रिलीजियस लीडर्स हैं, जो जो प्रीस्ट क्लास है, जो प्रचार करते हैं, किसी भी नाते से उनका नाम हो, किसी को किसी संस्था में कोई नाम होता है, दूसरी संस्था में उसका दूसरा नाम होता है। पहले तो वो अगर अपने चरित्रवान हो प्रैक्टिकल लाइफ में, उनका ध्यान पैसे पर या अपनी सिर्फ फॉलोइंग बढ़ाने पर या अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाकर धन बटोरने में इकट्ठा करने पर अगर ना हो, बल्कि अगर वो प्रैक्टिकली प्योर और हम्बल और गुणवान हो, तो मैं समझता हूँ उनमें कुछ बल हो, उनकी वाणी में कुछ ओझ हो, ताकि वो दूसरों को कुछ सिखा सके। पहले तो वो चीज खत्म हो गई जहां लोगों को सीखने को कुछ मिलना चाहिए। जाते बहुत हैं लोग सुनने के लिए सत्संगों में, प्रवचनों में, डिस्कोर्स थे, फिर वकील जाके कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपराधी को पकड़ा जाता है, पकड़कर उसको जेल में डाला जाता है, मुकदमाबाजी काफी वर्ष होने के बाद, जेल में डालने के बाद सड़ता रहता है जेल में, उस इंसान का जीवन तो गया। पहले उसने अपराध किया, फिर उसका केस चलता रहा, फिर उसको सजा मिली, उसका एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ, उसके साथ वालों की भी खरा खत्म हो गई। तो उसके उसमें कितने आदमी लगे हुए हैं। अभी भी ये था अखबार में कि यूपी वालों ने कहा है कि हमें 2000 करोड़ चाहिए पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए, 2000 करोड़ फॉर मॉडर्नाइजिंग द पुलिस। इंसान पर हम खर्च नहीं करते कि इंसान को हम अच्छा नागरिक बना दें, पुलिस की इतनी पकड़ धकड़ की जरूरत ही ना पड़े, इतने कानून बनाने की जरूरत ही ना पड़े। अगर मनुष्य लॉ अबाइडिंग हो जाए बाई नेचर, स्वभाव से ही अगर मनुष्य अच्छा व्यक्ति बन जाए, सारा पैसा हम काफी हद तक उसी पर खर्च करने की कोशिश करें, तो फिर क्या जरूरत है कि इतने सारे पेचीदा कानून बनाए कि हर एक आदमी को वकील रखना पड़े अपने इनकम टैक्स पर एडवाइस करने के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर से पलड़ा छुड़ाने के लिए, सेल्स टैक्स ऑफिसर से पलड़ा छुड़ाने के लिए, या अड़ोसी पड़ोसी से कोई झड़प हो जाए तो झंझटबाजी से छुड़ाने के लिए। अगर आपस में हम सद्भावना से, प्रेम से, भाईचारे से और नियम पालन करने वाले स्व अनुशासित व्यक्ति हो जाए, तो ये 2000 करोड़ एक स्टेट में खर्च होते हैं और सारे वर्ल्ड में कितनी मिलिट्री है, कितने बम बनाए जाते हैं, किस लिए? डिफेंस, डिफेंस अगेंस्ट होम, अगेंस्ट द नेबरिंग कंट्री। हु आर देयर इन द नेबरिंग कंट्री, द ह्यूमन बींग्स, इंसान इंसान से इतना डर रहा है, इतने बॉम्ब उसने बना लिए, और जबकि लोग एक चिमचा भी दूध का नहीं मिलता बेचारे बच्चों को, गरीबों के, जो सारी उम्र भर भी जिनको कोई बीमारी हो जाए तो उसके लिए अनुकूल दवाई का पैसा भी उनको नहीं है, उनकी माँ उनके सामने मर रही है जिसने जन्म दिया था, लेकिन पैसा नहीं है उनके पास कि उसका इलाज किया जा सके। अस्पतालों में भी स्ट्राइक है, डॉक्टर लोग आते नहीं, क्या हालत है जिनकी, संसार की। तो अगर ये संसार बदला जा सकता है तो ये क्लासरूम से, स्कूल से बदला जा सकता है। ये बच्चों, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ड्यूटी इज ब्यूटी, चरित्र महान बल है। एक अगरबत्ती अगर सारे कमरे को सुगंधित कर देती है, एक स्कूल में एक भी टीचर हो, सबका ध्यान जाता है, ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ही इज टोटली डिफरेंट। तो अगर हम ये कोशिश करें कि हम उन बच्चों का जो कि एक चेतन सत्ता रखते हैं, उनके बीच में हम ऐसा प्रभाव उन पर डालें जिससे कि उनका जीवन बन जाए, आई थिंक वी विल बी डूइंग ए ग्रेट ड्यूटी।